डवेलपमेंट ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन टू जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का पाकिस्तान की जीडीपी में एक बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फिर इसी पैटर्न पे जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये यहां पे एक बड़े पोर्शन ऑफ लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम कुछ अगर इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डाटा देख लें कि इन विच पैटर्न दैट डेटा मूव्स ओवर लास्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्बन के रेफरेंस में बात करें तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते होलमें in फर्स्ट आप कह लें जो मेरे पास कॉलम है नाइनटीन एटी वन टू नाइनटी दिस इज बेसिकली एवरेज वैल्यू ऑफ दर्बन पॉपुलेशन फॉर दाइम पीरियडी वन जो 2000 का जो कॉलम है ये मेरे पास एवरेज वैल्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पास एवरेज अर्बन पॉपुलेशन क्या थी तो यहां पे इस डेटा सेट को देख के हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अर्बन पॉपुलेशन का ओवर टाइम 1981 टू 90 के टाइम पीरियड की डिकेड से लेके 2011 से 20 की डिकेड तक आप एक्जेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो देयर इज कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन एरिया फिर इसी पैटर्न पर अगर मैं रूरल पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पे हम एक डिक्लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं इन डिकेड्स में फ्रॉम इन १९८१ टू नाइनटी की डिकेड में जो मेरे पास पॉपुलेशन थी रूरल uh, एरिया में देट इज अराउंड ७०.५३ पॉइंट परसेंट लेकिन २०११ और २० में ये पॉपुलेशन होगी सिक्सटी परसेंट फिर इसी पैटर्न पर अगर हम एग्रीकल्चर की शेयर की बात करें तो हम एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल शेयर है दैट इज ऑलमोस्ट के ओवर द टाइम पीरियड लास्ट ओवर लास्ट फोर्टी ईयर यहां पे अगर कुछ डिक्रीज डिक्रीज या decrease आया तो वो दैट इज मार्जिनल डिक्रीज कितना मार्जिनल है कि जी इन डिकेड ऑफ टू और जब ट्वेंटी इलेवन और ट्वेंटी की डिकेड में ये वैल्यू होगी अराउंड ट्वेंटी टू पॉइंट एट सेवन ट्वेंटी 25 से आप कह लें अप्रोक्सीमेटली इट मूव टूवर्ड्स दी 23 परसेंट ऑफ जीडीपी लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के शेयर की बात करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपके पास देयर इज नो चेंज इन देयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द जी डी पी नाइनटीन एटी वन में डिकेट में भी ये था अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी पॉइंट एट सिक्स परसेंट और ट्वेंटी इलेवन और ट्वेंटी की की में ये था मेरे पास नाइनटीन पॉइंट फोर वन कि इनफैक्ट हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री का शेयर है इन दी टोटल जीडीपी ये कुछ डिक्रीज हो गया डिक्रीज भी क्या मे बी अराउंड अगर मैं सर्विसेज के के सेक्टर शेयर की बात करूं तो यहां पे मैं एक इंक्रीज ऑब्जर्व कर सकता हूं कि शेयर ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन टोटल जीडीपी ओवर लास्ट फोर्टी ईयर इंक्रीज फिर इसी पैटर्न पे अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स और मोरलेस आप कह लें अराउंड टेन परसेंट के करीब था कभी इलेवन टिक्स परसेंट आप जो आपके पास नाइनटीन नाइनटीज की डिकेट थी वहां पे आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी दैट इज अराउंड सिक्सटीन पॉइंट जीरो टू परसेंट आप यह कह लें ये बड़ा क्लोज थी आपकी वो वैल्यूज के जो कि उस डिकेट में आपकी इंपोर्ट हुई थी गुड्स एंड सर्विसेज की लेकिन मोरर लेस जो आपके इंपोर्ट्स हैं दैट इज यूजली डबल एक्सपोर्ट्स अगर आपकी एक्सपोर्ट टेन परसेंट हो रही है तो इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंपोर्ट आपकी हुई अराउंड ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ जी डी पी फिर इसी तरह जब मैं ऑफिशियल एक्सचेंज रेट की बात करता हूं तो यहां पर एक जो एक्सचेंज रेट है वो आपका डिप्रिशिएट हुई है आपकी करेंसी और वो डेप्रिशिएशन भी क्या है सिग्निफिकेंट डेप्रीसिएशन इन दूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर और डिकेड वाइज चेंज क्या आया कि ये जो आपके पास इन द डिकेड ऑफ 80स आपके पास जो एक्सचेंज रेट 15.91 रुपीस था टू गेट वन डॉलर वो आपके पास इन द डिकेड ऑफ 90स ये आपके पास होगी वैल्यू तकरीबन 36.46 रुपीस के इन द डिकेड ऑफ 2000 ये वैल्यू होगी 65.55 के और इन द डिकेड ऑफ 20 इलेवन टू ट्वेंटी के टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू थी यहां पे वो थी हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट नाइन टू रुपीज और ट्वेंटी ट्वेंटी आप वैल्यू होगी अराउंड टू जीरो हंड्रेड के करीब है अब इस सारे डेटा सेट से मुझे एक चीज आप कह लें हमने ऑब्जर्व की There is decline in overall investment. कि देर इज डिक्लाइन इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो हमने ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की पे बात की in 1981 ये value थी around और 2022 में क्या हो गई जी जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगी तो वो आप क्या करेगा इट विल क्रिएट अंस फॉर ग्रोथ फिर इसी पैटर्न मैं में ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स की बात करूं तो जो सेविंग्स आपके पास 1981 थी अराउंड 9.27 परसेंट जी वो 2022 में ये वैल्यू क्या होगी अराउंड थ्री पॉइंट एट परसेंट हांजी जब एक इकोनॉमी में लोग सेव ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहा से आएंगी के सेविंग्स के जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा टू 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 स्टार्ट द ग्रोथ वो आपके पास आएगी फ्रॉम द सेविंग इफ एन इकोनॉमी इज नॉट कैरिंग आउट सफिशियंट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो फिर जब यहां पे हम एक और बात जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के रेफरेंस में बात करेंगे जो आपके पास लैक ऑफ ग्रोथ इन दी नॉन फॉर्म रूरल इकोनॉमी है दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूटर टूवर्ड्स द हिंड्रेंस इन ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अब इस नॉन फॉर्म इकोनॉमी को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो इट कैन बी इंप्रूव बाई प्रोवाइडिंग फाइनांसिंग टू रूरल एंटरप्राइस हां जी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप रूरल एरियाज में अगर प्रोवाइड करोगे इट विल क्रिएट सम नॉन फॉर्म एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस फॉर्म में आएगा आपके पास रोड्स के नेटवर्क की फॉर्म में आएगा आपके पास इन फॉर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि फॉर ग्रोथ ऑफ नॉन फॉर्म रूरल इकोनॉमी कंट्रोल ऑफ करप्शन जी करप्शन पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि जब आप करप्शन कंट्रोल कर लोगे इट हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन नॉन फॉर्म रूरल इकोनॉमी जब फिर अगर मैं लैंड के रेफरेंस में बात करूं तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की लैंड है देर इज इन इनइक्वेलिटी इन दैंड ओनरशिप और फिर उसके साथ साथ क्या है ओवर विदिज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम वन जनरेशन टू एनदर जनरेशन वहां पर आपके पास लैंड होल्डिंग में भी बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ रहा है और यहां पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट दैट दैट आर ओन्ड बाई आ फार्मर अगर मैं प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल फार्मर की बात करूं तो ओवर टाइम क्या हुआ है देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स दैट होल्ड दैट होल्ड फार्म ऑफ फाइव एकर्स के जिन जो फार्मर्स आपके पास जिनकी लैंड होल्डिंग फाइव एकर्स या उससे लेस है उनके नंबर में क्या हुआ है देयर इज इंक्रीज इन देयर नंबर फिर उसके साथ साथ क्या हो गया कि ये जो नंबर ऑफ फार्मर्स तो चले इंक्रीज हुए जो एवरेज फार्म साइज थी फॉर फॉर द स्मॉल फार्मर्स एवरेज फार्म साइज ऑफ स्मॉल फार्म्स इट इज ऑल्सो डिक्रीज ओवर टाइम क्या जी अगर पहले वो टू इस ब्रैकेट में अगर फार्मर्स ऑन एवरेज लैंड होल्ड कर रहे थे तो, तो अब ये क्या हो गया इट माइट बी पॉसिबल नो इट्स वैल्यू इज 1.5 पॉइंट एकड़ पर फार्मर फिर इसी तरह जब आप लार्ज फार्म्स की बात करते हो ये आपके जो टोटल फार्म नंबर ऑफ फार्म है उसका एक स्मॉल परसेंटेज है बट इवन के परसेंटेज इज स्म बट दे ऑक्यूपाई अ लार्ज फार्म एरिया जी हाँ जब वो लार्ज फार्म एरिया है तो वो क्या कर रहा है इट आल्सो क्रिएट इन एफिशियंसी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस अगर हम प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो जो ओवर टाइम हमने यहां पे एक चीज ऑब्जर्व की 1981 में ये परसेंट था जो कि 2022 में अराउंड 37.7 परसेंट हो गया हां जी जब ये अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इस अर्बन urban, अर्बनाइजेशन के कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएंगे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आएंगे पॉजिटिव इंपैक्ट किस फॉर्म में आ सकते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर बेटर इन दी अर्बन एरियाज फिर वहां पे आप कह लें एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज भी बेहतर होंगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर होती हैं लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी आएंगे कि बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन अर्बेनाइजेशन देर इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हाँ जी जब आप अर्बनाइजेशन की बात करते हो तो इसके साथ साथ इस अर्बनाइजेशन के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आएंगे वो नेगेटिव इंपैक्ट्स किस फॉर्म में आते हैं कि आपके पास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी तो ओवरऑल आपके पास वाटर और एयर क्वालिटी डिस्टर्ब होगी फिर इसी पैटर्न पे जब हम पॉवर्टी की बात करें तो जो आपके रूरल एरियाज हैं इन दोज एरिया पॉवर्टी इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज सो फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी देर शुड बी सर्टन पॉलिसीज सर्टन प्लान दैट शुड हैव अ फोकस ऑन द रूरल एरियाज जब आप उन तो रूरल एरियाज को अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में फोकस करेंगे तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ऑन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी